राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई। कितना मजा आ रहा है हाथी की सवारी में, है ना? हाँ हाँ नाना, मुझे भी हाथी की सवारी बहुत अच्छी लगती है। नाना मुझे भी बिठाओ ना अपने हाथी पर। मैं क्यों बिठाऊँ तुम्हें मनु? अच्छा नाना, मुझे तो बिठाओगे ना? हाँ हाँ तात्या, क्यों नहीं, पर थोड़ी देर बाद। नाना मुझे भी बिठा लो ना। ये मेरा हाथी है, मैं क्यों बिठाऊं? नाना ना बिठा लो ना, मन तो नीचे नाना तो ना बिठा लो ना। काका काका। अरे अरे क्या हुआ मनु बेटी? देखिए नाना हाथी पर सवार होकर घूमने जा रहे हैं, मैं भी हाथी की सवारी करूंगी, उन्हें रोकिए ना। अरे अरे बेटी वो देख, हाथी तो काफी आगे निकल गया है। आप पुकारिए तो, हाथी को अभी वापस बुलाओ, अभी बुलाओ, अभी बुलाओ। अब बेटी हाथी की सवारी तो राजा लोग करते हैं, तू ठहरी गरीब ब्राह्मण की बेटी, भला तेरे भाग्य में हाथी की सवारी कहाँ? अच्छा ये बात है तो लगी शर्त, मैं आपको एक नहीं 10-10 हजार हाथियों की सवारी करके दिखाऊंगी। हाँ तेरे मुंह में घी शक्कर बेटी। ये थी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम था मनु। मनु का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मनु जब छोटी थीं, तो इनकी माता भागीरथी बाई का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत ने इनका लालन पालन किया। मनु ने रण विद्या, धनुष चलाना, बंदूक चलाना, अश्वारोहण, कुश्ती, शिकार खेलना, नकली युद्ध करना तथा व्यूह की रचना करना भली प्रकार सीख लिया। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, इसलिए मनु जब छोटी उम्र की ही थी तो उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया। विवाह के पश्चात मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। लोगों ने जय जयकार की। महाराज गंगाधर राव की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय, महाराज गंगाधर राव की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय, महाराज गंगाधर राव की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय, महाराज गंगाधर राव की जय। रानी के दर्शन के लिए दासियों ने रानी को घेर लिया। तुम लोग कौन हो? सरकार हम लोग तो आपकी दासियां हैं। जी सरकार। दासियां नहीं, तुम लोग तो मेरी सखियां हो। अपने अपने नाम तो बताओ। जी मेरा नाम सुंदरी, ये काशीबाई जी, और ये सरकार मैं जूही हूँ। तुम लोगों को घुड़सवारी आती है? सुंदरी को तो घुड़सवारी बहुत अच्छी आती है। हम लोगों को भी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा क्या तलवार कटार भी चला लेती हो? नहीं, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी, कम से कम तुम अपनी रक्षा तो कर सको। बचपन की सीखी रणविद्या रानी के बहुत काम आई। रानी ने वीरांगनाओं की एक फौज तैयार कर ली और रानी राज्य के सभी कामों में रुचि लेने लगी। कुछ समय बाद
रानी के एक पुत्र पैदा हुआ, पर कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव इस धक्के को सह न सके और बीमार रहने लगे। एक दिन गंगाधर राव ने रानी से कहा, लक्ष्मी, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। ऐसा ना कहें महाराज, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरी बात सत्य होगी। मैं बिना पुत्र के नहीं मरना चाहता। मैं किसी बालक को खोद लेना चाहता हूँ। राजन, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। महाराज, गोद लिए हुए बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। कुछ समय पश्चात गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं दी। अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। रानी को पेंशन दे दी गई। इससे रानी खुश नहीं हुई। 1857 में रानी ने सेना का संगठन किया और पहला युद्ध झांसी के किले में हुआ। रानी बहुत बहादुरी से लड़ी। उन्होंने जियाजीराव सिंधिया और जनरल स्मिथ को हराया। युद्ध के दौरान रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांध लिया था। अचानक रानी को गोली लगी और रानी कोई परवाह किए बिना लड़ती रही और सैनिकों का हौसला बढ़ाती रही। जान पर खेल जाओ सैनिकों, ये आजादी की लड़ाई है। हम इसमें शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमारे भीतर देशभक्ति की आग जल रही है, इससे हम दुश्मनों को झुलसा देंगे। दुर्भाग्य से उनका नया घोड़ा नाला पार न कर सका। रानी जान गई कि अब युद्ध में जीतना कठिन है। गिरते गिरते रानी ने अपने सहयोगी से कहा, रामचंद जी, तुमसे एक बात कह रही हूँ। शत्रु मेरे शरीर को हाथ न लगाने पाए। जी महारानी, ये मेरी अंतिम इच्छा है। महारानी, जय दुर्गे। रामचंद रानी के मृत शरीर को गंगादास की कुटिया में ले गए। गंगादास ने मृत रानी के मुंह में गंगा जल डाला। अपनी कुटिया की घास फूस डालकर रानी की चिता को आग लगा दी और इस तरह रानी वीर गति को प्राप्त हुई। घायल होकर गिरी सिंहनी हो, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई, विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख सुधा भटनागर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, सुरेश शास्त्री, राजेश आहूजा, भगवान दास वधवा, पल्लवी पायल और आरती बख्शी, ध्वनिंकन दीपक पांडे,
निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।